पर भाषा अपना रूप परिवर्तित करता रहता है, भाषा अपने को परिवर्तित करता है, इतना परिवर्तित हो चुका है कि वह जगह जगह विकसित होने लगा है। और आपने तो चेतन भगत के बारे में सुना ही होगा, उन्होंने अभी एक नई पुस्तक नई उपन्यास लिखी है द हाफ गर्लफ्रेंड, अगर आप उसमें पढ़ेंगे, कल ही पढ़ रहा था मैं उसमें, पहले दो तीन दो पेज पढ़ने के बाद एक नंबर दो या फिर नंबर तीन का चैप्टर था वो, उसमें यह था कि एक लड़का है वो बिहारी बिहार से है, माधव झा, वो गया है इंटरव्यू के लिए पर वो ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा था, पर वो हिंदी में अच्छा था और वो इस हिंदी अंग्रेजी में ना बोल पाने के कारण उसको इंटरव्यू में मना कर दिया गया, परंतु वह खेल के कोटा से उधर गया था इसलिए वो जो जिस काम के लिए गया था वो पा गया, परंतु अगर वो हिंदी में अगर वो इंटरव्यू दे पाता तो फिर वो अवश्य ही वो जिस काम के लिए उधर गया था तो फिर वो पा जाता। मेरे किसी दोस्त ने कहा कि भाषा धूप है, पर हमें धूप मिलती किससे है? सूरज से। तो फिर सूरज अगर धूप है भाषा, तो फिर सूरज है हम मनुष्य। अगर मनुष्य नहीं होता, अगर सूरज नहीं होता, तो फिर धूप कहाँ से आता? मैं अभी डीएबी के प्रांगण में खड़ा हूँ, इसे खड़ा कौन किया, भाषा या फिर मनुष्य? मनुष्य खड़ा किया, भाषा ने नहीं। तो फिर हम कह सकते हैं भाषा ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है या फिर मनुष्य? मनुष्य ही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य ने पेड़ लगाए, पौधे लगाए, सब किए, पर भाषा ने क्या किया? बस उन दोनों के बीच में, दोनों को मिलने का काम किया। आप किसको ज्यादा अहमियत देंगे?